बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को धमकी देने वाला गैंगस्टर अब आतंकवादी कहलाए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी अब आतंकी सूची में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दो अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं, जिनमें से एक में अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। वहीं दूसरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई का संबंध विदेश में बैठे आतंकी समूहों के साथ होने के आरोप के तहत उसकी गिरफ्तारी की गई। NIA ने दिल्ली की कोर्ट में 14 गैंगस्टरों को लेकर एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी जैसे कुख्यात गैंगस्टरों के नाम शामिल हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि NIA की इस लिस्ट में कौन कौन से गैंगस्टर आतंकी लिस्ट में शामिल हुए हैं। लिस्ट में पहला नाम इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई का है। लिस्ट में दूसरा नाम कनाडा के मोस्ट वांटेड गोल्डी बरार का है। लिस्ट में तीसरा नाम जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी का है। इसके अलावा जगदीप सिंह उर्फ जग्गू, सचिन थप्पन उर्फ सचिन बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु, विक्रमजीत उर्फ विक्रम बरार, वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ काला राणा, जोगिंदर सिंह, राजेश कुमार उर्फ राजू मोटा, राजू बसोड़ी, अनिल चिप्पी, नरेश यादव और शाहबाज अंसारी के नाम शामिल। ये वो 14 गैंगस्टर हैं जिन्हें NIA ने आतंकी संगठनों से संबंध रखने वाले गैंगस्टरों की सूची में शामिल किया है। NIA ने आरोप पत्र दाखिल करने के साथ साथ आरोपी गैंगस्टर के परिजनों की भूमिका की जांच भी तेज कर दी है। खास बात यह है कि इन पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी UAPA अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, इस आरोप पत्र में उनके संबंध पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ होना बताया गया है। आरोप पत्र में जिक्र किया गया है कि लॉरेंस के तार कई अन्य दूसरे कुख्यात आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। हालांकि NIA ने अदालत में चार्जशीट दाखिल करते समय ये कहा कि वो इसको लेकर अभी आगे की जांच कर रही है। वहीं दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अपनी दलील रखी। लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा ने कहा कि NIA के आरोप पत्र में गैर कानूनी कारोबार की बात तो है, पर राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर आरोप स्पष्ट नहीं। NIA ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की, लेकिन दूसरे मामले में मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को बताते हुए दूसरे देश में बैठे खालिस्तानी समर्थक दलप्रीत दल्ला के साथ साजिश रचने का आरोप है। आरोप है कि लॉरेंस ने गुर्गो से कमाई मोटी रकम विदेशों में जमा कराई है। NIA ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि अलग अलग राज्यों में से गिरोह नशे का कारोबार भी चला रहे हैं। दूसरे देशों से ड्रग्स मंगाकर यहां के युवाओं में पलाया जा रहा है, जिससे गैंग मोटी रकम कमाता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आतंकी लिस्ट में इसलिए भी शामिल किया गया है क्योंकि उस पर युवाओं को बरगलाने और उन्हें गलत काम में इस्तेमाल करने के साथ साथ युवाओं को आतंक के खेल में शामिल करने का भी आरोप है।